हमारा मेनली ऑर्डर का काम होता है, बाकी अच्छा। रिटेल में 150-200-250 का चोरी तक बिक जाती है। और गुलाब जामुन कितने बिक जाते हैं? इसका कोई अंदाजा नहीं है, मतलब ये तो बिकते ही रहते हैं। हाँ, ये सालभर में सारे होटलों में हमारी सप्लाई जाती है। राम सर सभी को खम्मा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं आया हूँ आज कचोरी गुलाब जामुन। अगर किसी भी होटल में, बड़े होटल में आप गुलाब जामुन खा रहे हो तो समझ लो इनके गुलाब जामुन खा रहे, क्योंकि सारी सप्लाई यहीं से होती है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ लोकेशन कहाँ है। ये है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो कि पड़ता है बजाजा बाजार बोलते हैं इसे, पॉप सर्कस थोड़ी सी दूरी पर है। बाकी गूगल की लोकेशन इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नाम है राजेश ठाकुर। राजेश जी, ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार ये किसके नाम पे रखा है? ये हमारे पिताजी ने रखा था माता के नाम पे, 1984 में खुली है। तो सबसे पहले पिताजी ने क्या बनाया था? सबसे पहले हमने भाप कचोरी समोसे और गुलाब जामुन बनाए थे। फेमस क्या हुआ? ये तीनों चीजें ही फेमस है। तीनों चीजें फेमस है और बाकी फिर लोगों की डिमांड के कारण आपने बहुत सारी मिठाइयां बनाई, सारी चीजें बनाने लग गए धीरे धीरे। अभी जो अपनी कचोरी है वो कितनी निकल जाती है दिन भर में? निकल जाती है सर, हमारा मेनली ऑर्डर का काम होता है, बाकी रिटेल में 150-200-250 का चोरी तक बिक जाती है। और गुलाब जामुन कितने बिक जाते हैं? इसका कोई अंदाजा नहीं है, मतलब ये तो बिकते ही रहते हैं। हाँ, ये सालभर में सारे होटलों में हमारी सप्लाई जाती है। भैया, मतलब गुलाब जामुन बेसिकली इसमें क्या क्या गिरता है जिससे ये बनते हैं इतने स्वादिष्ट? ये सब ओनली खोआ, हाँ, हल्की सी मैदे की चाट, अच्छा, और छेना, पनीर डलता है। तो ये पनीर वगैरह खुद बनाते हो? हाँ, सब चीज खुद बनाते हैं, तब जाके ये बनता है। हाँ। तो ये क्या भाव दिया है आपने? ये हम देते हैं 240 रुपए किलो। मतलब पूरे अलवर में अगर गुलाब जामुन खाने हैं तो लक्ष्मी निष्ठान भंडार के पास? बिल्कुल बिल्कुल, यही है हमारी पहचान। अच्छा, तो ये पिताजी ने मतलब बेसिकली काम कहाँ से सीखा ये जो हलवाई पने का? काम कहीं से नहीं सीखा था, धीरे धीरे सब नॉलेज आती गई, करते गए। तो अपनी जो कचोरी है पूरे दिन चलती है या फिर कोई टाइमिंग होती है? पूरे दिन चलती है, जैसे ऑर्डर दे जाता है ग्राहक उस अकॉर्डिंग बनती रहती है। तो आपके साथ कोई और भी, मतलब आपके भाई भी काम करते हैं? हम दो भाई हैं। क्या नाम है भाई का? हितेश ठाकुर। हितेश जी मिस करेंगे कि मैं क्यों नहीं था वीडियो में। यहाँ पे बन रही है LNB की कचोरियाँ। और भैया, ये जो मसाला होता है इसमें आप क्या क्या गिरते हैं? मतलब उड़द की दाल है, नमक मिर्च मसाला है। अच्छा, उड़द की धुली दाल यूज में लेते हैं? हाँ, डलता है, गरम मसाला भी डलता है, मेथी भी डलती है। अच्छा, सौंफ डलता है, सौंफ धनिया डलता है। तो टोटल कितने मसाले गिरते हो आप? हो जाते हैं 10 मसाले तक। और ये जो अपन मैदा का लोइया बनता है, हाँ, इसमें अपन मैदा में कुछ मिलाते हैं या सिर्फ पानी मिला के? नहीं, रिफाइंड डलता है ना इसमें। कितने किलो में, 1 किलो में कितना रिफाइंड गिर जाता है? 200 ग्राम। ऐसे पिट्ठी भर लेते हो आप लोइया बना के? आप लोइया बना रहे हैं, ये गोला बना के और इस तरीके से इसमें पिट्ठी में डाल लेते हैं और फिर इसकी सिकाई हो जाती है, कचौरी तैयार। अच्छा अच्छा अच्छा। भाऊजी, ये तेल कौन सा यूज करते हैं अपन? रिफाइंड है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार में कितनी कचौरियाँ सेक देते हो? ये लो साहब, हमारी कचौरियाँ जो हैं बनके तैयार हो गई हैं। ओहो, चलो भाई, आज इनकी कचौड़ी खाने आए हम। अब एक कचौरी लगा दो भैया। ये दाल देखो भाई, इसमें प्रॉपर मात्रा में सही दाल भरी हुई है। आलू की सब्जी है? हाँ जी। ओके, धन्यवाद। तो भैया, आपको लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की कचौरी कैसी लगती है? टॉपर। कितने टाइम से खा रहे हो आप? करीबन 15-20 साल। अच्छा, तो शरीर इसी से बनाया हमने। गरम, क्या बात है, आनंद आ गया। तो ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। राम राम सर सभी को, खम्मा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। अच्छा, माता जी का नाम लक्ष्मी था? तो माता जी नहीं, वो माता जी। अच्छा। अच्छा, देवी माँ का? हाँ, देवी माँ।